विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री ने कोरबा में करीब 180 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कोंडागांव में दो माओवादी गिरफ्तार। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने की ठेकेदार की हत्या, चार वाहनों में लगाई आग। प्रदेश के मीसाबंदियों ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर सम्मान राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाएं देने की मांग दोहराई। और रमजान का महीना शुरू होते ही रोजे और इबादतों में जुटा मुस्लिम समुदाय, मस्जिदों में होने लगी विशेष नमाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। प्रदेशव्यापी विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने आज कोरबा में करीब 180 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने कोरबा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने करतला में एक आम सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विषय जो इस क्षेत्र के लिए है, उरगा धर्मजयगढ़ रेल कॉरिडोर, इस पूरे क्षेत्र का तस्वीर बदलने वाला है। 1600 करोड़ का 62 किलोमीटर भारतमाला प्रोजेक्ट बिलासपुर धर्मजयगढ़ रांची किधर से जाएगा, 1700 करोड़ का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। सर्वे शुरू हो गया है, इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। अभूतपूर्व योजनाएँ इस देश में प्रदेश में बन रही है। मोदी जी का एक चमत्कार है, 55 लाख लोगों को मोबाइल वितरण का काम भी हम विकास यात्रा में ही करेंगे। तो एक पूरे क्षेत्र में, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, पूरे छत्तीसगढ़ को जो वादा किया था, उस वादा को अनुरूप विकास यात्रा में जाके हम उन कामों का न केवल लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं 30,000 करोड़ के, बाकी अन्य काम भी हो रहे हैं। विकास यात्रा के अगले चरण में मुख्यमंत्री 20 मई को एक बार फिर कोरबा जाएंगे। वे जिले के कटघोरा और गुरसिया जनसभा को संबोधित करने के साथ ही करीब 250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कोंडागांव पुलिस ने एक ग्रामीण की हत्या के मामले में दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों माओवादी बीते 20 मार्च को अदनार गांव में एक ग्रामीण की हत्या में शामिल थे। दोनों माओवादियों ने पूछताछ के दौरान हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की। इसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उधर दंतेवाड़ा जिले के भांसिक थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण में लगी चार गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और एक ठेकेदार की हत्या कर दी। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में गश्त और बढ़ा दी गई है। श्री कश्यप ने बताया कि दंतेवाड़ा जिले के ही कुआकोंडा इलाके में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या कर दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज भिलाई से रायपुर तक रोड शो किया। वहीं कल सीतापुर के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। आज राहुल गांधी रोड शो के अलावा दुर्ग में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। रोड शो में जहां राहुल गांधी ने भिलाई से रायपुर तक सड़क के दोनों ओर मौजूद आम लोगों का अभिवादन किया, वहीं संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं के विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। किसान को पानी नहीं दिया जाएगा, बिजली नहीं दी जाएगी, उसकी जमीन छीनी जाएगी, उसके बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाएगा और फिर उससे कहा जाएगा कि भैया तुम तो काम नहीं करते, दिन भर लगा रहता हो। हम पैसा कानून लाए थे, ट्राइबल बिल लाए थे, जो आपका आदिवासियों का जल है, जंगल है, जमीन है, ये सब आपका है, ये सरकार का नहीं है। आज सुबह राहुल गांधी ने बिलासपुर के बहतराई में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण से संबंधित कानूनों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा।
इससे पहले राहुल गांधी ने कल शाम सरगुजा जिले के सीतापुर में आदिवासी किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को कर्ज माफी से राहत देने का प्रयास किया जाएगा। राहुल गांधी के आज के सभी कार्यक्रमों में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल सहित प्रदेश कांग्रेस नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को कल शाम 4 बजे तक बहुमत साबित करने को कहा है। कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक के राज्यपाल ने येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में वंशवाद की राजनीति खत्म हो गई है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोग अब परिश्रम और विकास की राजनीति का समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से गोदावरी कावेरी नदी जोड़ परियोजना में छत्तीसगढ़ के हितों का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में श्री अग्रवाल ने इस संबंध में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के हितों का ध्यान रखने का भरोसा दिलाया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आज राजभवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर अपने संदेश में राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने कहा कि रक्तदान से अनेक जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड ने वनौषधि उत्पादों की आपूर्ति और वनौषधि केंद्र की स्थापना के लिए नई दिल्ली की एक निजी कंपनी के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत कंपनी द्वारा प्रदेश में हर्बल सेंटर की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस केंद्र पर वनौषधि की मदद से विभिन्न बीमारियों का इलाज भी किया जाएगा। देश की नवरत्न कंपनियों में से एक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को इस वर्ष सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में ग्लोबल प्लेट्स अवार्ड मिला है। लंदन में कल रात एक भव्य समारोह में NMDC के चेयरमैन बैजेंद्र कुमार ने ये सम्मान ग्रहण किया। उन्होंने अपने ट्वीट में इसे NMDC के कर्मचारियों का सम्मान बताया है। बेमेतरा जिले के किसानों को आगामी खरीफ मौसम में सिंचाई के लिए सकरी नदी का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा सकरी नदी की एक धारा को बेमेतरा की ओर मोड़ा जा रहा है। इस व्यवर्तन योजना से करीब 2000 किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ परिचारिका संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर के ईदगाहभाटा मैदान में चल रही इस हड़ताल में प्रदेश के विभिन्न भागों से आई हुई स्टाफ नर्स भाग ले रही हैं। इन नर्सों की मांग है कि उन्हें 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाए, साथ ही उन्हें शासकीय कर्मचारियों की तरह अन्य सुविधाएं भी दी जाएं। राजनांदगांव जिले के भावे गांव में कृषि विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग के उपसंचालक अश्विनी बंजारा ने पहले दिन 40 से अधिक किसानों के कार्ड बनवाए। इस कार्ड के जरिए किसानों को कृषि कार्य के लिए बिना ब्याज के कर्ज दिया जाता है। पिछली विजेता भारत ने महिलाओं के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में लगातार 3री जीत हासिल की है। भारत ने कल मलेशिया को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने इससे पहले लीग मैचों में जापान और चीन को पराजित किया था। आइए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मीसाबंदियों ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर सम्मान राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। गौरतलब है कि मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी के रूप में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में एक सम्मान राशि दी जाती है। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने जांजगीर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार को मीसाबंदियों की मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। मध्य प्रदेश के ही थे और मध्य प्रदेश में जो सुविधाएं वर्तमान में मिल रही है वो सारी सुविधाएं हम छत्तीसगढ़ सरकार से हमने कहा है कि यदि आप सम्मान दे ही रहे हैं तो क्योंकि हम सब मध्य प्रदेश के ही मीसाबंदी हैं इसलिए मध्य प्रदेश में जो सुविधाएं दी जा रही है जो सम्मान वहां पर दिया जा रहा है वो सम्मान यहां के भी छत्तीसगढ़ के भी हमारे लोकतंत्र सेनानियों को दिया जाए ये हमारी मांग है। छत्तीसगढ़ की सरकार से हमारी मांग भी है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने आपातकाल के कालखंड को पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ की सरकार भी
आपातकाल के कालखंड को देश की भावी पीढ़ी पढ़ सके कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, तो उसको पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए, ये हमारी मांग है। श्री उपासने ने बताया कि आगामी 26 जून को रायपुर में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। रमजान का महीना शुरू हो गया है। चांद की तस्दीक के साथ ही रोजे और इबादतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस दौरान हर दिन नमाज के लिए बड़ी संख्या में रोजेदार मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। रमजान को देखते हुए मस्जिदों में आकर्षक सजावट भी की गई है। रोजेदारों के लिए तरह तरह के मेवों, मिठाइयों और व्यंजनों की दुकानें भी सज गई हैं। रमजान की अहमियत के बारे में भिलाई जामा मस्जिद के इमाम हाफिज इकबाल अंजुम ने बताया कि रमजान का महीना रोजेदारों के लिए बहुत मुकद्दस माना जाता है। और माह रमज़ान ये अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आता है। इस महीने में बंदा कसरत से नेकी करता है और इस महीने में हदीस पाक में आता है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है, तो बंदे कसरत से इबादत करने लगते हैं। और इस महीने में एक नेकी करने से 70 नेकी का सवाब मिलता है, एक फ़र्ज़ अदा करने से 70 फ़र्ज़ का अदा करने का सवाब मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हदीस पाक में मरवी हैं। ये रोज़ा असल में पैगाम उन लोगों के लिए असल में पैगाम है जो अमीर लोग हैं, कि उन्हें साल में एक मरतबा ये एहसास हो कि पूरे साल जो गरीब लोग फाका कशी और भूख प्यास की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं उन पर क्या बीतती है। ये रोज़ा इसी चीज़ का पैगाम देता है कि रोज़ा रखो और ये एहसास करो कि गुर्बत क्या चीज़ है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी स्थानों पर इन दिनों बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के रोजे रख रहे हैं, साथ ही नमाज और इबादत का सवाब ले रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।